प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा मंत्रिमंडल के विस्तार में अलीराजपुर जिले के 4 बार के विधायक रहे नगर सिंह चौहान को कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। झाबुआ जिले के पैटलावत से विधायक निर्मला भूरिया को मंत्रिमंडल में शामिल करने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने पटाखे फोड़कर खुशियां मनाई, एक दूसरे को बधाइयां देकर मिठाइयां बांटी। वहीं जिले भर में खुशियां मनाते हुए अलीराजपुर बस स्टैंड पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने पटाखे फोड़कर और मिठाइयां खिलाकर एक दूसरे को गले लगाकर बधाई दी। वहीं जिले के जौबट तहसील पर भी निर्मला भूरिया और नगर सिंह चौहान के मंत्रिमंडल में शामिल करने पर उन्हें बधाइयां देते हुए बड़े बस स्टैंड पर युवा मोर्चा के अध्यक्ष शुभम डावर के नेतृत्व में बस स्टैंड पर पटाखे फोड़कर खुशियां मनाई गई। विकास को देखते हैं जोबट और युवाओं में बिल्कुल जोश है, पूरी उमंग है। युवा मोर्चा भी पूरे तहे दिल से नागर सिंह जी चौहान जो कि हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं उनको बधाई देता है। आज यहां पर हमने आतिशबाजी करी है। भारतीय जनता युवा मोर्चा पूरे मंडल जोबट की ओर से उनको हार्दिक शुभकामनाएं, शीर्ष नेतृत्व का आभार। नागर सिंह जी के मंत्रिपरिषद में लेने पर आप क्या कहना चाहोगे? सर्वप्रथम तो भारतीय जनता पार्टी के जैसे कि प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी, प्रदेश के हमारे मुखिया शर्मा जी और नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन जी यादव को भारतीय जनता पार्टी अलीराजपुर धन्यवाद ज्ञापन करती है कि बरसों बाद एक आदिवासी अंचल क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी को मंत्रिमंडल में स्थान मिला है। भारतीय जनता पार्टी सदैव ही इस क्षेत्र में आने वाले समय में इस मंत्रिमंडल के विस्तार में भाई नागर सिंह जी को मंत्रिमंडल में शामिल करने के लिए मैं पुनः उनको धन्यवाद प्रेषित करता हूं। भारतीय जनता पार्टी उनके नेतृत्व में देखिए बहुत खुशी का माहौल है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। मैं नागर सिंह जी चौहान को कैबिनेट में लेने के लिए मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी संगठन और मोहन यादव जी मुख्यमंत्री जी और वीडी भाई साहब सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद आभार करता हूँ जिन्होंने युवा चेहरे को आगे बढ़ा और कैबिनेट में उन्हें अपना जगह दी। फिर भारतीय जनता पार्टी को जिले को विकास के पंख लगेंगे। युवा नेतृत्व ऊर्जावान भाई नागर सिंह चौहान आज कैबिनेट मंत्री के रूप में संगठन ने उन्हें नवाजा है। आज पूरे जिले में खुशी है। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे गौरवान्वित पल है क्योंकि पहली बार हमारे क्षेत्र का आदिवासी मिला है। आज यह पूरी जीत जो है यह पूरे कार्यकर्ताओं के यह सम्मान जो दिया है हमारे सरकार को आज मेरा अवसर है। यह समस्त कार्यकर्ता का सम्मान है। आज नागर सिंह को जो अगर मंत्रिमंडल में जाते हैं क्षेत्र का विकास होगा, चौपट की जनता का विकास होगा, विकास में नई गति आएगी। सभी कार्यकर्ता पूरे क्षेत्र में गुहार से लहर जाते हैं और मुख्यमंत्री जी प्रधानमंत्री जी का आभार मानते हैं कि हमारे क्षेत्र को इस नेता उसकी ऊंचाई दी है। जबट से मुकेश राठौड़ की रिपोर्ट।